हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गणेश किचन में आपके लिए लेके आई मखाने और साबुदाने की खीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। सावन शुरू हो चुका है तो बहुत से लोग मीठे के भी व्रत रखते हैं। आप इस खीर को पूरे दिन में कितनी भी बार खा सकते हैं व्रत रखते हुए भी, और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1/4 कप साबुदाना लिया है। अब इसको हम एक बाउल में डाल के इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक भारी तली का बर्तन लेंगे और इसके अंदर 1/4 कप पानी डालेंगे ताकि दूध तली से ना चिपके। अब इसके अंदर हम 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे और दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। दोस्तों, जब तक दूध उबलता है, आइए हम अपने ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 चम्मच देसी घी का डालेंगे। अब इसके अंदर हम 15 से 20 बादाम को बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए दोस्तों, बादाम हल्के भुनना शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम करीब 8 से 10 काजू को बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी मंदी आंच पे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। दोस्तों, काजू बादाम हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 10 से 12 किशमिश डालेंगे और इसको भी मंदी आंच पे 10 से 20 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून चुके हैं। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और तुरंत ही सारे ड्राई फ्रूट्स को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन के अंदर 1 चम्मच देसी घी और डालेंगे और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी के गर्म हो जाने के बाद अब इसके अंदर हम करीब 50 से 60 ग्राम मखाने डालेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। मखानों को भूनने से क्या होगा कि मखानों के अंदर का मॉइस्चर खत्म होगा और मखाने अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। जब हम इसको क्रश करेंगे तो ये आसानी से क्रश हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे को मंदी आंच में मखानों को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। सारे मखाने अच्छे से भून चुके हैं। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और मखानों को एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। दोस्तों, इतने हमने यहाँ पे दूसरी गैस पे दूध भी उबालने रखा हुआ है। दूध हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम 2 इलायची को फोड़ के इसके अंदर डाल देंगे, या फिर आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इस स्टेज पे दूध के अंदर इलायची डालने से दूध के अंदर इलायची का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। दोस्तों, हमारा यहाँ पे दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम दूध को 5 से 10 मिनट के लिए मंदी आंच पे ऐसे ही पकाएंगे और बीच बीच में दूध को चलाते रहेंगे ताकि दूध तली से बिल्कुल भी ना चिपक सके। दोस्तों, हमारे को दूध को पकाते हुए लगभग 8-10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने जो मखाने भून के रखे थे उसको हमने हाथ से हल्का सा क्रश कर लिया था। अब इन मखानों को हम दूध के अंदर डाल देंगे। दोस्तों, जब आप मखानों को क्रश करते हैं तो आप उनको हाथ से ही क्रश करिए, क्योंकि अगर आप ग्राइंडर के अंदर करेंगे तो इसका पाउडर बन जाएगा और इसका स्वाद हमारी खीर के अंदर अच्छे से नहीं पता चलेगा। दोस्तों, हमने साबुदाने को आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ा हुआ था। हमारा साबुदाना भीग चुका है। अब इसका हम पानी निकालने के बाद खीर के अंदर इसको भी डाल देंगे और अब हम खीर को 8 से 10 मिनट के लिए मंदी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और ध्यान रहे, बीच बीच में खीर को हम चलाते रहेंगे ताकि खीर बिल्कुल भी तली से ना चिपक सके। दोस्तों, अगर आप ऐसे टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे को मखाने डालने के बाद खीर को पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 3 चम्मच गोले का बुरादा डालेंगे और इसको भी सभी के साथ अच्छे से मिलाते हुए अभी खीर को हम 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। दोस्तों, हमारे को खीर को पकाते हुए लगभग पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और हमारी सारी सामग्री भी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे खीर कितनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है और कितनी अच्छी लग रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। दोस्तों, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होती है, इसीलिए अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। अब इसके अंदर हम 3/4 कप चीनी डालेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे चीनी की मात्रा अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम चीनी को खीर के अंदर अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारे यहाँ पे खीर परोसने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।